ओके गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन टू का यूज। तो मैं आपको बता दूं, टू का यूज काफी जगह होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और टू का कहां कहां पर यूज होता है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो यूज है, किसी भी स्थान पर जाना है उससे पहले टू का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है को। टू का अर्थ होता है जब कहीं जाना होता है हमें, तो उसका अर्थ होता है टू का को। ओके, होता है जो वाक्य में छुपा रहता है। जैसे मैं बाजार को जाता हूँ, नहीं बाजार को जा रहा हूँ। ओके, मैं बाजार को जा रहा हूँ, लेकिन हम इसे इस प्रकार बोलते हैं। नीचे देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर मकसद यही है, बोलने का मतलब यही है कि मैं बाजार को जा रहा हूँ। ओके, लेकिन हम बोलते नहीं है जो कि छुपा हुआ होता है हिंदी वाक्य में। ओके, लेकिन हम इंग्लिश में उसे लगाते हैं, जिसका मतलब है टू, मतलब को। ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट एक जगह है, उससे पहले हमने टू का यूज किया। देखिए इसी प्रकार से, वह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली एक शहर है, एक जगह है, उससे पहले हमने टू का यूज किया। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। तो स्कूल एक स्थान है, जगह है, तो उससे पहले हमने टू का यूज किया। आइए अब देखते हैं सेकंड यूज। किसी ऑब्जेक्ट से पहले भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, टू हिम, टू मी, टू हर, टू यू, टू देम, इसी प्रकार से। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुमसे बात करता हूं, आई टॉक टू यू। वह मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी। उसने मेरे पत्र का जवाब दिया, ही रिप्लाइड टू माई लेटर। नेक्स्ट यूज देखते हैं टू का, के प्रति के रूप में। के प्रति, आइए देखते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल है, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो हम कहेंगे, वी शुड बी फेथफुल टू आवर कंट्री। तो यहाँ पर आवर कंट्री से पहले हमने टू का यूज किया, के प्रति मतलब अपने देश के प्रति। उसे अपने भविष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, ही शुड बी केयरफुल टू हिज फ्यूचर। मतलब टू का हमने यूज किया, हिज फ्यूचर मतलब कि उसके भविष्य के प्रति। तुम्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर वर्क। तो यहां पर हमने टू का यूज किया कि काम के प्रति। तो इस प्रकार से हम के प्रति के रूप में भी टू का यूज करते हैं। आइए अब नेक्स्ट जानते हैं टू का यूज तक के रूप में। देखिए, तक के रूप में टू का प्रयोग, मैं 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ा। ओके, मैंने 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई की। तो देखिए, आई रीड फ्रॉम 2 AM to 3 AM मतलब कि 2 से 3 तक। ओके, ये यहाँ पर रीड लिखा हुआ है, लेकिन इसे रेड पढ़ेंगे। ओके, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रीड रेड रेड, जिसे रीड तो लिखा जाता है, लेकिन सेकंड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं। तो ये है, आई रेड फ्रॉम 2 AM to 3 AM। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं दिल्ली से गोरखपुर तक गया, आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू गोरखपुर। दिल्ली से गोरखपुर तक, दिल्ली टू गोरखपुर। हम आगरा से दिल्ली तक जाएंगे, वी शैल गो फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मैं दिल्ली तक गया, या मैंने, या देखिए, मैं दिल्ली तक गया, या हम कहें मैं दिल्ली गया, इसका मतलब इंग्लिश में एक ही है, मतलब कि इसे हम एक ही तरीके से इंग्लिश में कहेंगे, आई वेंट टू दिल्ली।
अब आप ये समझिए मैं दिल्ली तक गया, आई वेंट टू दिल्ली, या आप ये समझिए कि मैं दिल्ली गया, ओके मैं दिल्ली गया इसकी इंग्लिश भी आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली तक गया इसकी इंग्लिश भी आई वेंट टू दिल्ली ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका टू का जब अर्थ होता है तो इसका मतलब यही होता है तक, लेकिन ये भी एक तरह से छुपा होता है वाक्य में। जैसे कि ये देखिए मैं दिल्ली गया, यहाँ पर तक नहीं है, तक छुपा हुआ है, ओके। तो आई वेंट टू दिल्ली इसका मतलब भी यही है कि मैं दिल्ली तक गया। इसी प्रकार से देखिए मैं स्कूल तक गया, आई वेंट टू स्कूल, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं। यूज नंबर 5 है, कुछ वर्ड जहां तुलना करने के लिए देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उसकी जगह हम टू का ही प्रयोग करते हैं, जो है इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रिफर्ड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। देखिए आप मुझसे सीनियर हैं, यू आर सीनियर टू मी, तो हमने सीनियर के तुरंत बाद टू का यूज किया और उसके बाद तुलना कर रहे हैं, तो टू मैं अपने आप से तुलना कर रहा हूँ, आप मुझसे सीनियर हैं तो यू आर सीनियर टू मी। अगर मैं कहूँ आप उससे सीनियर हैं, यू आर सीनियर टू हिम। इसी प्रकार से देखिए वह तुमसे बेहतर है, ही इज सुपीरियर टू यू, वह मुझसे जूनियर है, ही इज जूनियर टू मी। टू आई का भी यूज कर सकते हैं, ओके। मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, आई प्रीफर राइस टू ब्रेड। मैं अकेला खाना पसंद करता हूँ, आई प्रीफर टू ईट अलोन। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रीफर के लिए हम जब तुलना करनी हो तो हम केवल टू का ही यूज करते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 6। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर ऐड का प्रयोग करना गलत होता है। आइए देखते हैं, तुमने उसे लंच पर बुलाया, यू इनवाइटेड हिम टू लंच। उसने मुझे नाश्ते पर बुलाया, ही इनवाइटेड मी टू ब्रेकफास्ट। उसने मुझे डिनर पर बुलाया, ही इनवाइटेड मी टू डिनर। मैंने उसे चाय पर बुलाया, आई इनवाइटेड हिम टू टी। तो यहाँ पर कहने का साफ मतलब ये है कि हम जब किसी को इनवाइट करते हैं, मतलब न्योता देते हैं किसी चीज पर खाने के लिए, ओके, तो हम उससे पहले टू का यूज करते हैं, जैसे कि लंच, टू ब्रेकफास्ट, टू डिनर, टू टी। यहाँ पर एट का यूज ना करें, ओके। आइए अब नेक्स्ट यूज और फाइनल लास्ट यूज देखते हैं। इन्फिनिटिव बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं। देखिए मुझे बाजार जाना है, आई एम टू गो टू द मार्केट। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, माई ब्रदर इज टू कंप्लीट हिज वर्क। सुनीता को खाना बनाना था, सुनीता वाज टू कुक फूड। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी हमें वर्ब में ना है जैसा सेंस देना है जो कि प्रेजेंट के लिए है, तो हम उसमें इज टू, आर टू, एम टू का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। और जब भी हमें पास्ट में ना था, ना थे करना है, तो हम वाज टू, वर टू का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट। ओके, आप ये टेंसेस में जान सकते हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाके टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग टू के यूज को समझ चुके हैं, प्रीपोजिशन टू। ओके।